हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जिसका कोड है BAS 203। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि AKTU यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस को रिवाइज किया है फॉर द सेशन 2022 एंड 23। तो जो हमारा नया सिलेबस आया है उस सिलेबस में हमारे पास टोटल 5 यूनिट है, जैसा कि मैथमेटिक्स 1 में भी हमारे पास टोटल 5 यूनिट थी। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी यूनिट नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्लास 12 से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक है। तो पहले तो हम बेसिक पढ़ेंगे जो हमने क्लास 12 में भी पढ़ा है, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे जो कि हमने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास सेकंड यूनिट जो हमें पढ़नी है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके लिए नया टॉपिक है, नई यूनिट है, क्योंकि ये आप क्लास 12th में इसको आपने नहीं पढ़ा है। देखिए, इसके बाद जो हमारे पास टोटल ये आगे 4 यूनिट है, ये सभी यूनिट आप लोगों के लिए नई है, ये टॉपिक आप पहले नहीं पढ़े हैं। लेकिन इन सभी यूनिट में जो कॉमन है वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए, अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हम बात करें तो जब भी हम इंजीनियरिंग मैथ्स को पढ़ते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथ्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इन सभी इंजीनियरिंग मैथ्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ने के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सभी यूनिट में अगर हम देखेंगे तो हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब ये पूछ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पढ़ना है, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 अभी पढ़ करके आए हैं, ठीक है, और उसमें भी आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज किया है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको आता है। फिर भी जहां पर जिस कंटेंट की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस टॉपिक को समझने के लिए, वो सब आपको वहीं पर आपको मैं बता दूंगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हम पढ़ेंगे सिक्वेंस एंड सीरीज। अगेन, अगर मैं बात करूं सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो आप लोग वैसे तो सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का चैप्टर क्लास 10th और 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर आपने सीक्वेंस और सीरीज में पढ़ा था APGP, है ना। यहां पर जो सीक्वेंस एंड सीरीज है वो वहां से डिफरेंट है और थोड़ा एडवांस लेवल का है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आसान है। एक एक लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट हमारी 2 यूनिट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास यहां पर दो यूनिट है। एक यूनिट हमारी जो बेस्ड है वो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है, और लास्ट वाली जो यूनिट हमारी बेस्ड है वो इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो हमारे पास टोटल 5 यूनिट है, इन टोटल 5 यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। बाकी आप लेक्चर वाइज पढ़ते जाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है तो ये मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट यही सोच के बैठे हैं कि मैथमेटिक्स 2 जो है वो मैथमेटिक्स 1 से टफ है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट मेरे से भी पूछ रहे हैं कि सर, कौन सा मैथमेटिक्स 1 टफ है या मैथमेटिक्स 2 टफ है। देखिए, अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। बस इतना अंतर है कि मैथमेटिक्स 1 में जो है मैट्रिक्स होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है, यहां पर मैट्रिक्स जैसी कोई यूनिट नहीं है, केवल इतना अंतर है। बाकी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर फोकस करेंगे तो आपको ये पांचों यूनिट बहुत आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, आप एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़कर इस पेपर को नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। या तो आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं
उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूनिट वाइज, तो देखिए यूनिट वाइज जो सिलेबस है जो AKT यूनिवर्सिटी का आया है उसका जो सिलेबस है उसको मैंने टॉपिक वाइज यहां पर लिखा है। जैसे हमारा पहली यूनिट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो सब मैंने यहां पर लिखे हैं। तो अभी इन टॉपिक के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारे लेक्चर आएंगे वो इन टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आएंगे, है ना। जैसे हमारा पहला जो टॉपिक है, जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो पहले टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो जब मैं लेक्चर आपको कराऊंगा तो उसी समय मैं आपको टॉपिक के मतलब भी बताऊंगा, किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस है जो कि मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस सिलेबस को सेव कर लीजिए, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि यूनिट वन को बाद में पढ़ रहे हैं, यूनिट टू को पहले पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एकदम सिक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिट वन से लेके यूनिट फाइव तक हम जाएंगे बिल्कुल सिक्वेंस से, ठीक है ना। तो सेकंड यूनिट के टॉपिक है हमारे पास, ये हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक है जो हमें पढ़ रहे हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर भी हमारे पास काफी सारे टॉपिक हैं। और लास्ट यूनिट हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की है जो इंटीग्रेशन हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर ये टोटल हमारा सिलेबस है जो कि AKT यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। और जो भी टॉपिक है हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, इसमें से एक भी टॉपिक मैं आपको स्किप नहीं कराऊंगा, मैं 100% आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा सिलेबस की बात हो गई, अब इसका हमारे लेक्चर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए गेटवे क्लासेस पर जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज की थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जो हमारा सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए हम ऑलरेडी कॉम्बो पैक लॉन्च कर चुके हैं, है ना। तो कॉम्बो पैक की अगर हम बात करें तो देखिए कॉम्बो पैक में अभी ऑफर चल रहा है और आप 10 अप्रैल तक 1450 रुपीज में इस कॉम्बो पैक को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा AKTU10 अप्रैल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल कोर्सेज की, तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल लेने के बाद जो कॉस्ट है वो 2196 है, लेकिन इन सभी कोर्स को अगर आप कॉम्बो पैक में लेते हैं तो 10 अप्रैल तक इस प्राइस में आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कॉम्बो पैक और गेटवे क्लासेस पे चलने वाले कोर्सेज का जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए है। तो आपको इसमें से देख सकते हैं आपके लिए जो भी सुटेबल हो। अब हमारे पास देखिए जो इसके बाद सिलेबस के बाद जो अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको मैक्सिमम बच्चों को सभी को आते हैं फिर भी उनको एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच।